नानी जान, रुशना का रवैया असद भाई से बहुत बुरा था। बहुत हिकारत से बात करती थी उनसे। बात बात पे उनसे ये कहती थी कि बस मुझे तलाक दे दे। और अम्मा वो असद से कहती थी कि तुम तो एक बेटे के बाप हो, शादीशुदा हो पहले से, और मैं कम उम्र हो, खूबसूरत हो, तुम्हारा बेटा क्या जोड़। और अम्मा उसने तो कभी असद को अपने करीब भी नहीं फटकने दिया, उसको हकारत से धुतकार देती थी और बस तलाक का मुतालबा करती थी। फिर लड़की भी क्या क्या गुल खिलाएगी, कितने लोगों के घर बर्बाद करेगी। इतनी जिंदगियां खराब की हैं उसने, कितने लोगों का दिल दुखाया, किस तरह खुश रह सकेगी ये कभी। क्या हो रहा है? मैं गेम खेल रही हूँ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? इस घर में मैंने आपको गेम खेलने के लिए नहीं रखा, बल्कि काम करने के लिए रखा है। और अगर काम नहीं करेंगी ना, तो दो मिनट में यहाँ से किक आउट कर दूंगी। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, बहुत हो गया, अब मैं आगे कोई एक लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारा। ये घर मेरा था और हमेशा रहेगा, मैं तुम्हें किक करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, लगता है आपको इलाज करवाना पड़ेगा, जिस तरह जिब्रान का किया था। याद है ना जिब्रान को कैसे जेल में डलवाया था? लगता है आपके साथ भी वही करना पड़ेगा। क्यों, मुझे तुम जेल में क्यों डालोगी? मैंने ऐसा क्या किया? कोई मर्डर, कोई ड्रग्स, कोई क्या, मैंने क्या किया? बाएं हाथ का खेल है मेरे, जो चाहूंगी वो दफा लगवा दूंगी आप पे, चोरी, डकैती या फिर मर्डर। आप यहाँ घर पे बैठी हुई होंगी और आपके खिलाफ FIR भी कट जाएगी, तो लिहाजा मुझे चैलेंज करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। चलें प्लीज ड्राइंग की डस्टिंग कर लें, इसके बाद और भी काम है। मरो तो मल्ला करे। हाय, तुम कब आ रही हो? बस तैयार हो रही हूँ और आ रही हूँ। खूब अच्छे से रेडी होकर आना, आज दिल भर के तुम्हें देखूँ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि आज तुम पे रुश्ता बिजलियाँ गिरा दे। रियली? अब तो मेरा दिल मचलने लगा। बस थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार और आ रही हूँ। वैसे एक बात तो बता। पूछो। तुम मेरे सामने कैसे आओगी? कौन यार, इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? तुमने तो ऐसे पूछे जैसे स्कूल में ना टीचर बच्चे से सवाल करते हैं। असल में तुमने ही तो कहा था कि मेरे अलग रहने का बंदोबस्त करो, और तुम जब मेरे साथ रह नहीं सकती तो तुम मेरे पास कैसे आ रही हो? जिब्रान, तुमसे मेरे दिल का रिश्ता है, तुम्हें तो मैं खप का अपना मान चुकी हूँ। और वैसे भी अब जब तुमसे ही शादी करनी है तो तुमसे पर्दा कैसे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब जल्दी से आ जाओ, बाय। हाँ ठीक है, बाय।